टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सोनीग्रा है और आज हम देखेंगे कि ब्लाउज में शोल्डर आगे या पीछे क्यों चले जाते हैं तो और उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। तो ये एक बना हुआ ब्लाउज है, उसमें यह शोल्डर का जॉइंट जो है वो एकदम मिडल में ही है, इसके लिए ये मैंने लिया है। तो ये चाहे कटोरी वाला ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट हो या फोर टक्स का कोई भी ब्लाउज हो, उसमें एक ही तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये यहाँ इसमें मिडल में है तो कई ब्लाउज में ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से ऐसे ये जॉइंट आगे आ जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और कई ब्लाउज में उल्टी प्रॉब्लम होती है कि आगे की साइड नहीं आते लेकिन ये शोल्डर ऐसे पीछे की साइड ऐसे चले जाते हैं, यहाँ पे शोल्डर का जॉइंट आ जाता है। तो उसमें कभी कभी कटिंग की भी गलती हो सकती है और बाकी कई लोगों का फिगर ही ऐसा होता है कि उसको ये शोल्डर आगे पीछे चले जाते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास ये एक नॉर्मल ड्राफ्टिंग है, यह बैक का है या फ्रंट का है। तो इसमें हमने जो ये आर्मोल लिया है यहाँ से और ये शोल्डर, वो दोनों एक ही साइज का सेम लिया है और ये फोर टक्स का ब्लाउज है। लेकिन फिर भी कोई भी ब्लाउज हो, कटोरी वाला हो, फोर टक्स या प्रिंसेस कट, सब में ये एक ही तरीके से सॉल्यूशन होता है क्योंकि ये नीचे का पार्ट तो जैसे है वैसे ही रहने देना है, सिर्फ यहाँ से हमको चेंज शोल्डर से ही करना है। देखिए तो सबसे पहले अगर ये शोल्डर जो है वो यहाँ से आगे की तरफ आ जाते हैं, ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं आगे की तरफ, तो क्या करना है कि हमें आगे का पार्ट थोड़ा लंबा कटिंग करना पड़ेगा और पीछे का थोड़ा छोटा कटिंग करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल के हिसाब से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर आगे आ जाता है तो उसका मतलब है कि ये जो पीछे का शोल्डर है मतलब वो बड़ा हो गया है और आगे का छोटा पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल नॉर्मल ड्राफ्टिंग है तो उसके हिसाब से ये यहाँ पीछे का पार्ट हमने दूसरा कटिंग किया हुआ है। तो ये पीछे के पार्ट को यहाँ से ऐसे आधा ही छोटा कटिंग कर देना है, ये पीछे के पार्ट को आगे से यहाँ ऊपर से आधा ही छोटा कटिंग करेंगे ये नॉर्मल के हिसाब से। और ये जो आगे का पार्ट है उसको हम देखिए यहाँ से, ये आगे के पार्ट को यहाँ से आधा इंच हमने ये आगे के पार्ट को आधा इंच हमने यहाँ से, ये आगे का पार्ट यहाँ तक है ओरिजिनल, तो ये यहाँ से आधा इंच हमने बड़ा कटिंग किया हुआ है इससे। तो इससे क्या होगा कि ये पीछे का और आगे का दोनों के कटिंग में शोल्डर पे यहाँ से ये देखेंगे ऐसे, तो ये आधा इंच यहाँ से छोटा है तो ये यहाँ तक है और ये आधा इंच बड़ा है तो ये यहाँ, मतलब टोटल ये एक इंच का शोल्डर में चेंज आ गया। ये इसमें बाकी कोई फिटिंग में चेंज नहीं आएगा या गला भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, गला जो भी मेजरमेंट का है वही मेजरमेंट रहेगा और ये आर्म होल का और लंबाई का सब मेजरमेंट वही रहेगा। इसमें सिर्फ चेंज आएगा तो ये शोल्डर यहाँ नीचे आ जाता था पहले तो अब बराबर जगह पे ये आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ से ऐसे आगे का पार्ट यहाँ से इतना ऐसे मुड़ जाएगा तो ये जो यहाँ पे आ रहा था शोल्डर वो अपने आप ही अपनी जगह पे चला जाएगा। तो ये इसका ऐसे सॉल्यूशन होता है। और अगर इससे उल्टी प्रॉब्लम हो तो इससे उल्टा कटिंग करना है, मतलब कि शोल्डर पीछे की तरफ चला जाता है जैसे मैंने पहले बताया वैसे, ये यहाँ पे ये पीछे का पार्ट है और ये शोल्डर यहाँ पे ऐसे आ जाता है इतना नीचे, आधा इंच एक इंच, तो उसमें ये उल्टा करना है कि उसमें आगे का पार्ट जो है
यह रहा ये आगे का पार्ट है, ये दूसरी मैंने ड्राफ्टिंग करके रखी है। तो ये आगे का पार्ट जो है वो सब जगह से सेम कटिंग ही करना है, शोल्डर से सिर्फ इसको देखिए ये आधा इंच जितना है वो आधा इंच यहाँ से इतना छोटा कटिंग किया हुआ है। इसके ऊपर रखेंगे तो ये पता चल जाएगा, ये ओरिजिनल यहाँ पे है। तो ये आधा इंच हमने आगे का पार्ट छोटा कटिंग कर दिया और वैसे ही सेम ये पीछे का भाग है, पीछे का पार्ट उसको आधा इंच लंबा कटिंग कर देना है। दोनों में से जो भी प्रॉब्लम हो, ये यहाँ पे ओरिजिनल वाला ये यहाँ तक है और ये हमने इतना लंबा कटिंग किया हुआ है, तो इसमें भी वही होगा कि उसमें शोल्डर आगे चला जाता था तो इसमें पीछे चला जाता है, तो ये पीछे का शोल्डर यहाँ से इतना मुड़ के आगे आ जाएगा तो ये भी अपने आप सही जगह पे आ जाएगा। और ये दोनों तरीके में सब मेजरमेंट में कुछ चेंज नहीं होता है, वही रहते हैं। अगर आपको गला नीचे आ जाता हो तो आप यहाँ से गला ऊपर कर सकते हैं और बाकी गले में कुछ इस मेजरमेंट से चेंज नहीं होगा, लंबाई सब वही रहेगी। तो कटोरी ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट हो, फोर टक्स या कोई भी बॉम्बे कटोरी हो, सब में यहाँ से सिर्फ शोल्डर से ही चेंज होगा, तो नीचे उसमें कुछ चेंज नहीं करना, सब में यही तरीके से सॉल्यूशन लाना है। तो ये एक मैंने प्रॉब्लम बताई, इसका मैंने सॉल्यूशन बताया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।